हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो मैं इस आज की वीडियो में आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी चाह करना चाहती हूँ uh, आज की वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ मेरी स्टोरी या फिर मेरे uh, मेरे बेटे से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड नथिंग आज की वीडियो में बस आप लोगों का थोड़ा सा समय चाहती हूँ उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा अपना कीमती समय ज़रूर मुझे देंगे और इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे और इसमें कमेंट करेंगे अपनी राय सो so, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्योंकि एक जो औरत होती है वही एक औरत की फ़ीलिंग समझ सकती है तो जो कि आपको मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा सो so, गाइज अभी मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा हाँ, और फिर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपके मन में क्या विचार आते हैं इस चीज़ को लेकर सो so, दोस्तों मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात करना चाह रही थी इस बारे में कि मैंने इतनी सारी वीडियो अपलोड की है जित जिसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा देखी गई है मोस्ट पॉपुलर वीडियोस मेरी लड़का होने के लक्षण पर ही है लेकिन अगर मैं उस टाइप की कुछ वीडियो बनाती हूँ जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती है आपके 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 हेल्थ के लिए आपके होने वाले बेबी की हेल्थ के लिए और तो उन वीडियोस को ज़्यादा कोई देखना पसंद नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि लोगों की मैंटिलिटी यही है कि उन्हें कैसे ना कैसे लड़का चाहिए बस तो लड़के के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लड़का हो जाए तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो सिम्टम देखते हैं लड़का होने की कि हमें मेच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कितने सिम्टम हमें मिल रहे हैं मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे सबसे ज़्यादा मिलियंस में भी व्यूज़ आए हैं इस चीज़ पर लड़का होने के संकेत को लेकर तो गाइज़ देखिए लड़का चाहना कोई बुरी बात नहीं है मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़के की चाह मत रखिए जैसे जिस तरह लोग लड़की की चाह रखते हैं वैसे ही लड़के की चाह भी रख सकते हैं लेकिन लेकिन इरादा गलत नहीं होना चाहिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बताती हूँ तो गाइज़ देखिए ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने का सोच रही थी लेकिन सडनली क्या हुआ कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया एक न्यूज़ का तो वो न्यूज़ मैंने जैसे ही पढ़ी तो मुझे लगा कि अब तो मुझे देरी नहीं करनी चाहिए इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत दिनों से मन में था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि आप लोग लड़का होने के लक्षण तो देखा देखा करें लेकिन साथ में जो कि मैं आपके फ़ायदे के लिए जो वीडियोज़ बनाती हूँ वो भी प्लीज़ देखा करें उसमें भी उसमें भी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ लेकिन वो वीडियोज़ आप लोग नहीं देखते हैं तो इसमें होगा क्या इसमें आपका ही नुकसान होता है क्योंकि लड़का होगा या लड़की होगी दोनों में से कोई एक हो जाएगा नौ महीने बाद पता चल जाएगा लेकिन जो आपको नौ महीने का जो समय आपको निकालना है वो आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो गाइज़ चलिए बातों बातों में मैं भूल गई तो मैं कहाँ थी मैं स्टोरी पर थी स्टोरी नहीं थी एक्चुअली न्यूज़ में मैंने कल सुना जो कि महाराष्ट्र की, की न्यूज़ थी उसमें क्या हुआ एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि जिसकी एज छब्बीस और 27 के बीच में थी वो नाइन मंथ प्रेग्नेंट थी और वो पानी में कूद गई तालाब में कूद गई और उसका पूरा टाइम चल रहा था और पानी में ही जो तालाब में जिस तालाब में वो कूदी थी उस तालाब में ही उसने एक बेबी को जन्म दिया लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा होने के कारण क्या हुआ उन दोनों की मौत हो गई रीज़न अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि वो नाइन मंथ प्रेग्नेंट लेडी आ, ऐसे कैसे कूद सकती है है ना तो उसके पीछे ये रीज़न था कि उसका जो पहले एक बेटा हुआ था वो एक साल का था और उसकी मौत हो गई थी फिर उसे उसने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया वो भी आठ महीने की थी और वो झूले में सोते सोते वो भी शांत हो गई, ठीक है फिर ये तीसरा बेबी था तो जब उसने तीसरा बेबी कंसीव किया तो उसे रिश्तेदार और जो आस पड़ोस के लोग बात बात पे ताना देते थे कि उसे टॉर्चर करते थे ऐसा कि कोई भी ऐसा माँ करेगी नहीं ऐसा कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखूँ हर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है पर हुआ क्या उसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़ गए उसे उठते बैठते बस यही ताना देते थे कि तूने दो बच्चों को तो मार डाला दो बच्चों का तूने ध्यान नहीं रखा तो तीसरा तीसरा अच्छे तरह से हो जाना चाहिए तीसरे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस टाइप की बातें हालाँकि उसमें यह भी लिखा था कि उसमें जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कभी भी इस टाइप की उनसे बातें नहीं करते थे वो लोग अच्छे से उनके साथ पेश आते थे लेकिन आस पड़ोस के लोग ऐसे ताने ताने मार मार का किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि तो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरा बेबी होने वाला है मेरा मैं इसको भी किसी कारण से खो दूँ तो लोग मुझे ही आ, गाली गलोच करेंगे और मुझे ही समझाएंगे कि तूने ध्यान नहीं रखा तो ये उसकी थिंकिंग थी इसको लेकर वो स्ट्रेस में थी तो स्ट्रेस में थी आ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर सबको बस ये था कि बच्चा अच्छे से हो जाए है ना और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि लड़का था पहला जो बेटा था लड़का था जो बच्चा था वो एक लड़का था ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई कि लड़का था और वो इस दुनिया में नहीं रहा तो इस बात को लेकर उनका उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था तो वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गई और उसने यही अच्छा समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा बच्चा भी उसका किसी कारण से इस दुनिया में ना रहे ना बच पाएगा तो लोग फिर से मुझे ही ताने मारेंगे मुझे ही कुछ कुछ कहेंगे तो उसने मर जाना सही समझा तो अब आप ही मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या उसने सही किया या फिर क्या लोगों ने सही किया उसके साथ में आ, मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उससे कुछ गलतियाँ हो गई हो नहीं आ, मतलब जानबूझकर कर तो कोई गलती करेगी नहीं वो लेकिन हो सकता है उसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हो जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं था और उसने ऐसा आ, उसकी वजह से उसके बच्चे को कुछ हो गया हो उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं था और भगवान की लीला भगवान ही जाने किस वजह से उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता ना ही उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि किस वजह से मौत हुई लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी को भी ना लड़के को लेकर या फिर किसी भी चीज़ के लिए टॉर्चर नहीं करना चाहिए और स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत बेकार चीज़ होती है स्पेशली स्पेशली uh, आपकी प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप स्ट्रेस ले रही हैं तो जो एक कार्डिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है जो कि आपके बच्चे तक भी पहुंचता है तो उसे भी उसे भी उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है तो आप जब स्ट्रेस लेते हो तो आपका बच्चा बच्चे पर भी वही हारमोन्स पहुँचते और बच्चा भी आपका तनाव में आ जाता है तो स्ट्रेस आपको प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं लेना जितना हो सके आपको खुश रहना है अगर आप खुश रहेंगी तो खुशी वाले हैप्पी वाले उस हारमोन्स आपके बच्चे तक पहुंचेंगे तो आपका बच्चा भी हैप्पी होगा और हेल्दी होगा अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रोती हैं चिड़चिड़ाती हैं स्ट्रेस लेती है टेंशन में आ जाती है चिंता करती हैं किसी भी बात का तनाव लेती हैं तो या फिर किसी के भी बारे में सोचती रहती हैं उसी उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होती रहती है और रोती रहती है तो ऐसा करने से आपका बच्चा भी दुखी होता है आपके बच्चे को भी टेंशन होती है आपका बच्चा भी तनाव में होता है जिसके कारण उसका मानसिक विकास है वो रुक जाता है उतनी देर के लिए जितना कि आप टेंशन लेती है तो आगे चलकर उसका मानसिक विकास ठीक नहीं होगा तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा मेंटली भी कमज़ोर होगा और शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी और जो आप लोगों को टॉर्चर करते हैं आपको उन्हें समझाना है आपको उनसे उनसे दूरी बना लेनी है आप अपने बच्चे के लिए सेल्फिश हो जाइए अगर आपको जो टॉर्चर कर रहे हैं आस पड़ोस के लोग उनसे बात ही मत कीजिए इसके अलावा कोई किस किस का मुंह बंद करेंगे आप किस किस को रोकेंगी एक दो होगा तो आप उसको समझा देंगी बिठा कर बात कर लेंगे और वो बंद हो जाएगा लेकिन जब पूरा माहौल है रिश्तेदारी इस टाइप की बातें कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मतलब बात ही मत कीजिए मुझे कोई आप लोगों से ऐसा कुछ आप लोगों से या फिर आपके रिश्तेदारों से या फिर आपके पड़ोसियों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए आप लोग उनसे बात करना बंद कर दीजिए और अगर आप अच्छा करती हैं तो आपने अच्छा किया बुरा करती हैं तो बुरा आपने बुरा किया तो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं करेगी वो तो ऐसा अगर अच्छा होगा ना तो लोग खुद का नाम ले देंगे कि हमने अच्छे केयर किए और जरा सा भी कुछ अगर बुरा हो जाता है बच्चे के साथ तो आपने किया मतलब बच्चे की माँ ने कि बच्चे की माँ ध्यान नहीं रखती ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है तो अवॉइड करना सीखिए अपनी मैंटलिटी को बिल्कुल फ्रीडम होकर जिए लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए अगर आप कुछ अच्छा करेंगी तब भी लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको कुछ बोलेंगे और अगर आप कुछ बुरा करेंगे तब भी आपको कुछ बोलेंगे तो जो आपको अच्छा लगता है जो आपके लिए अच्छा है अच्छी मैंटिलिटी के साथ अच्छे इरादे के साथ अच्छे काम कीजिए जो आपका दिल चाहता है आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लोग कुछ ना कुछ हर हर सिचुएशन में लोगों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते लोगों का मुंह चलता ही रहता है तो पूरी प्रेगनेंसी आपको अपना ध्यान रखना है खुद को अपना ध्यान रखना है आपके बच्चे को बच्चे को कैसे आपको पालना है आप ये खुद डिसाइड करेंगे आज पर के लोग क्या बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती है इस टाइप की जो कि मैं बनाती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड लड़का होने के लक्षण की बात मैं नहीं कर रही हूँ बाकी और भी अदर वीडियोज़ मैं बनाती हूँ अगर आपको उन उन वीडियोज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करना और बिल्कुल मत देखिएगा मेरी वीडियोज़ लेकिन जो बाकी क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोज़ तो अच्छी लगती होगी ना इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं क्योंकि मैं भी इस टाइप की जब वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरे सामने भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं और उनमें से मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ बहुत अच्छी वीडियोस लगती है मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है मेरे ना देखकर उनकी वीडियोस देखिए तो लेकिन कुल मिलाकर आप लड़का होने से थोड़ा सा ध्यान भटका कर इस टाइप की भी वीडियोस देखा करें जो आपके लिए अच्छी होगी आपके बच्चे के लिए भी अच्छी होगी सो so गाइस जो मुझे कहना था आज इस वीडियो में मैंने पूरा कह डाला अब आपकी मर्ज़ी आप किसी भी टाइप के कमेंट कीजिए किसी भी टाइप की वीडियोस देखिए लेकिन जो आपके लिए अच्छा था वो मैंने आपको आप लोगों से शेयर किया आई होप कि आपके आपको कुछ समझ में आया होगा मतलब आपकी मैंटली थोड़ी सी चेंज हुई होगी आपकी धारणा जो मन की वो मैं कोशिश करी की है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो असर हुआ होगा और आप वो वीडियो भी देखिए कोई मना ही नहीं है लेकिन उसके साथ साथ जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो अच्छी वीडियोस होती है आपके हेल्थ के लिए आपके बच्चे के हेल्थ के लिए तो उस टाइप की वीडियोस को भी आप देखना चालू कर दें वरना आपको आगे परिणाम कुछ गलत भुगतने पड़ सकते हैं अगर हाँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में या, या फिर आपके फैमिली में कोई है ऐसा जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देता है तो फिर ओके है लेकिन अगर आप अकेली रह रही हो घर में आपके घर में कोई बड़ा नहीं है लाइक आप हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हो तो ऐसे में कोई समझाने वाला नहीं होता है फ़ोन पर भी कोई आपको बताएगा तो कितना बताएगा आपके चौबीस घंटे आपके साथ तो वो नहीं रहते हैं। तो थोड़ी सी जो फ़ोन पर बात होगी तो फ़ोन पर भी इतना कुछ नहीं बता सकते तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है और मेरी मानू तो आप अच्छे क्रिएटर्स की अच्छी वीडियोस भी देखना आज से चालू कर दीजिए सो तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सो तो आई थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा मेरी बातों को फिर से एक बार फिर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने बच्चे का ध्यान रखिए